हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो यार, इस समय हम खड़े हैं फतेहाबाद वाली रोड पे, जहाँ से डिपोर्ट पड़ता है हमारा मेट्रो स्टेशन का, और जो रूट हमारा आगरा ताजमहल मेट्रो स्टेशन के लिए जा रहा है, उस रूट पे खड़े हैं। तो आपको दिखाते हैं और यहाँ के अपडेट देते हैं कि क्या पोजिशन चल रही है मेट्रो की। वाला जो आप कट देख रहे हो, यहीं से जाते हैं सीधे लाल किला और ताजमहल के अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन की तरफ। यही रूट है, और ये जो आप देख रहे हो बिल्डिंग, ये तो पता ही है डिपोर्ट की बिल्डिंग है। इसी के अंदर मेट्रो वगैरह खड़ी होती है, प्लस ऑफिस है, और यहीं पर सारी मेट्रोज खड़ी हैं, यहीं से निकलती हैं हमारे ऑफिशियल रूट पे और उसके बाद चलती है। तो यार, आज एक फायदा है, मौसम बहुत बढ़िया हो गया ना, तो उस वजह से सर्दी की तो कोई टेंशन है ही नहीं, आराम से बना सकते हैं। और मौसम बढ़िया हो गया तो लोग बाग भी घर से निकलना शुरू हो गए हैं, तो ये रूट भी लगभग हमारा इस समय ट्रैफिक से पूरा कचाकच भरा हुआ है। तो जैसे कि ये डिपोर्ट है, और डिपोर्ट से आगे जा रही हमारे ये पूरा डिपोर्ट बना है, और पीछे साइड मेट्रो खड़ी होंगी, तो चलो आगे चलते। तो भाई यार, ट्रैफिक ज्यादा है इसलिए साइड में ही गाड़ी चलानी पड़ेगी, वही बेटर है, क्योंकि मौसम सही हो गया तो जैसे ट्रैफिक पड़े। थोड़ी देर पहले यहाँ पे मेट्रो खड़ी थी, निकल गई अपने काम पे, यानी कि अभी हमको ऑन रूट मेट्रो मिल सकती है अगर हम फतेहाबाद वाली रूट पे जाए तो, मतलब मेट्रो वाले रूट पे। बाकी यही हमारा मेट्रो का डिपोर्ट उस कोने से लेकर के और इस कोने तक है। भाई यार, मौसम इतना गर्म हो गया, 15 मिनट हुए खड़े हुए और गर्मी लगने लगी बहुत जोर। ये आ गया वो सर्किट हाउस आगरा। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड से यहाँ पे मुड़ेंगे तो हमारा पड़ेगा सर्किट हाउस। ये एंट्री गेट दिया हुआ है इसका, सोचो इधर सर्किट हाउस है, इधर मेट्रो का डिपोर्ट दिया हुआ है। सामने हमने हमारा चल रहा है ट्रैफिक, मौसम बढ़िया है तो ट्रैफिक की स्पीड भी बढ़ गई, तो चलो फटाफट से चलते हैं। अभी आगे ही है, लगभग 200 मीटर आगे अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन ताजमहल वाला, वो दिखाते हैं क्या पोजीशन चल रही है उसकी। हम तो सोच रहे थे कि मेट्रो का ट्रायल लेके आएंगे, तो अभी अभी देखा यहाँ से मेट्रो निकल के गई है, वहां पे खड़ी हो गई है जाके, मतलब ट्रायल होके वो कंप्लीट आ चुकी है अपने डिपोर्ट पे। तो मेरे ख्याल से आगे तो मिलनी नहीं है। देखो दूर से कैसा लग रहा है अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन, ये ताजमहल वाला है, यहाँ तो पेड़ वगैरह आ रहे हैं इसलिए ज्यादा नहीं दिख रहा हुआ, तो बस देखने के लिए रुके थे। चलो बाकी आगे से फ्रंट व्यू देखेंगे इसका, फ्रंट व्यू से ये कैसा लग रहा है। तो यार भाई, नक्शा ही बदल दिया भाई, बिल्कुल बिल्कुल फिनिशिंग हो गई लगभग कंप्लीट। यहाँ पे देखो इतना ओपन एरिया भी दिया हुआ है, और ये खड़े हैं मेट्रो स्टेशन के सामने, अलग ही लुक लग रहा है इसका भाई, बिल्कुल फिनिशिंग साइड कंप्लीट। लेकिन ट्रैफिक बहुत है, एक बात ही कहनी पड़ेगी यहाँ पे, ये रूट ऐसा है ना कि बिल्कुल खाली नहीं रहता, क्योंकि यही रूट गया है लाल किला वाले रास्ते के लिए, इसलिए ये इतना ही छोटा रूट है, इसी से ही सब गाड़ियाँ निकलती हैं, इसलिए यहाँ ज्यादा ट्रैफिक है। बाकी यहाँ तो भाई फिनिशिंग का काम भी लगभग पूरा कंप्लीट हो गया है, तो नेक्स्ट लेवल फीलिंग आ रही है ओरिजिनल आंखों से देखने में, तो कैमरे में इतना पता ना चल रहा हो। तो ये है इस मेट्रो स्टेशन का फ्रंट व्यू, जहाँ से आप देखोगे कि शीशे वगैरह लग चुके हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर भी पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो बाहर से तो आपको पूरा लुक दिखाई दिया, आप चलो अंदर से भी आपको दिखा देते हैं कि ये कैसा लगता है देखने में। वैसे यहाँ तो शटरिंग वगैरह लगी है, तो पहले अंदर चलते हैं। अब देखो यहाँ पे चारों तरफ काम चल रहा है, शटरिंग लगी है, अलग अलग लोग खड़े हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के, जो कि डिस्कशन कर रहे हैं कि कैसे काम किया जाए। बाकी चलो अभी हम आगे चलते हैं और नीचे चल के आपको दिखाते हैं कि नीचे कैसा बना हुआ है मेट्रो स्टेशन। तो फाइनली चलते हैं हम नीचे, इन स्टेयर से अब हम नीचे उतरेंगे, उससे हमें पता चलेगा कि नीचे का पार्ट कैसा बना है। अच्छा, स्टेयर्स पे भी टाइल्स वगैरह लग चुके हैं और रेलिंग लग चुकी है, और टाइल्स कितने अच्छे लग रहे हैं, शाइनिंग मार रहे हैं अभी तो। और सामने देखो पूरा ये ओपन स्पेस है ना, यहाँ पे ये मेन मेट्रो का स्टेशन है। यहाँ पे क्या है, आप टिकट ले सकते हैं या लिफ्ट के थ्रू इस पोजिशन पर आ सकते हैं। और यहाँ का जो थीम दिया है ना, बूढ़ा ब्रिज वाला फील दिया हुआ है, कि पूरा लगे कि आगरा का ही मेट्रो स्टेशन है। और ये राइट हैंड साइड पे देख रहे हो, ये है टिकट काउंटर, इस पर भी काम चल रहा है, यहाँ से आप टिकट ले पाया करेंगे जब मेट्रो में सफ़र करेंगे। और आप ये जो भीड़ देख रहे हैं ना, ये पब्लिक की भीड़ नहीं है, ये सारे वर्कर्स की भीड़ है। यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट्स के जो वर्कर्स हेल्पर्स हैं ना, वो लोग खड़े हुए हैं। तो मेट्रो अभी चालू नहीं हुई है, सिर्फ काम चल रहा है अभी,
और वॉल्स देखो इसकी कितनी बढ़िया लग रही हैं, और नीचे भी टाइल्स लग के फिनिशिंग हो गई है। यहाँ पे सामने बोर्ड भी लगा हुआ है। तो अब घूमते हुए चलते हैं नीचे मेन स्टेशन पे। एक्चुअली जो अभी ये दिखा ये तो टिकट काउंटर और वेटिंग एरिया है, बाकी इन स्टेयर्स से जब हम नीचे जाएंगे तो यहाँ पे हमको मेट्रो मिलेगी। और ये भी स्टेयर्स का काम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, नीचे बस कुछ काम रह गया है, फिनिशिंग का काम वो चल रहा है, क्योंकि बाहर की फिनिशिंग तो पूरी कंप्लीट हो चुकी है, सिर्फ अंदर की फिनिशिंग रह गई है। अब देखो कितना सारा सामान यहाँ पर फैला पड़ा हुआ है और वर्कर्स काम कर रहे हैं, और धूल मिट्टी हो रही है इसलिए ज़्यादा डस्ट हो रही है, यहाँ पे काम चल रहा है ना। और ये सारे इंजीनियर्स लेबर्स वर्कर्स खड़े हुए हैं, और जो लेफ्ट हैंड साइड पर देख रहे हो यही है हमारा मेट्रो का ट्रैक। इसी ट्रैक पे मेट्रो आएगी, जहाँ पे भी आपको जाना है यहाँ से आप पकड़ के जा सकते हो। और ये मेट्रो का वेटिंग एरिया है, यहाँ पे आप खड़े होके मेट्रो का वेट कर सकते हो, और मेट्रो भी 5 से 6 मिनट में आपको मिल जाया करेगी, ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा करेगा। ये देखो चारों तरफ काम ही काम चल रहा है, इसलिए डस्ट वगैरह उड़ रही है, तो धुंधली धुंधली वीडियो लग रही होगी आपको। और यहाँ पे पेंटिंग का काम चल रहा है, कुछ पेंटिंग रह गई थी, कलरिंग वगैरह करना रह गया था वॉल्स पे, तो वो काम चल रहा है। और इधर देखेंगे तो ट्रैफिक बहुत ही ज़ोरों से चल रहा है, ट्रैफिक तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। बाकी पीछे बना हुआ हमारा मेट्रो स्टेशन, जिसका कि फाइनल वर्क भी कंप्लीट हो चुका है, और आने वाले टाइम में ये चालू भी हो जाएगा। तो वेट करते हैं जब तक ये चालू नहीं होता है तब तक का। और ये वाला जो रूट है ये जा रहा है हमारा लाल किला के लिए, तो यहाँ पे भी ट्रैफिक बहुत है, और यहाँ पे भी काम चल रहा है कुछ बचा बचाया, तो ये भी लगभग कंप्लीट होने वाला है, थोड़ा बहुत रह गया है। तो अभी हम चल रहे हैं लाल किला वाले रूट पे। तो ये जो आप रोड देख रहे हैं ना, इसी रोड के नीचे जा रही है हमारी मेट्रो। तो जिस रूट को मैं अभी ऊपर से दिखा रहा था ना, उसी रूट के अब नीचे आ गए हम और पहुँच चुके हैं अंडरग्राउंड सुरंग में। अगर देसी भाषा में कहो तो सुरंग, और टेक्निकल भाषा में कहो तो हम टनल के अंदर आ चुके हैं। तो इसी रूट पे हमारी चलेगी मेट्रो स्ट्रेट डायरेक्शन में, अंडरग्राउंड टू अंडरग्राउंड, मतलब एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक। तब वही अंडरग्राउंड टनल ये जा रही है, और देखो इस पर ट्रैक भी बना हुआ है, लेकिन अभी मेट्रो नहीं जा रही है, तो हमने सोचा शूट ही कर लिया जाए आपको दिखाने के लिए कि टनल कैसी होती है अंदर से और मेट्रो कैसे जाती है। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट एक बात ये, साइड में आप जितने भी वायर्स देख रहे हैं ना, इन सब में इलेक्ट्रिसिटी जा रही है बहुत हाई वोल्ट की, तो यहाँ पे नॉर्मल बंदा तो आ ही नहीं सकता, सिर्फ टेक्नीशियन ही आ सकता है, क्योंकि उसे पता है ना कि कितने हाई वोल्ट का करंट जा रहा है, तो उससे उसको दिक्कत हो सकती है, इसलिए पब्लिक के लिए यहाँ पे आना अलाउड नहीं है। और तो चलिए आपको नीचे से भी दिखा दिए टनल कैसी है और अंडरग्राउंड मेट्रो कैसे चलती है। तो अब वापस चलते हैं रोड पर ऊपर, अंडरग्राउंड मेट्रो जो कि ताजमहल से निकलती हुई आ रही है और लाल किला और जामा मस्जिद तक जाएगी। तो इसके नीचे का भी हमने आपको दिखाई दिया कि मेट्रो ट्रैक कैसा है, कि इसी के नीचे हमारी अंडरग्राउंड मेट्रो जाएगी। तो अभी हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं लाल किला के पास, क्योंकि आप सामने देख सकते हैं कि लाल किला की वॉल्स भी हमको दिखाई दे रही हैं, और आगे बोर्ड भी लगा हुआ है लाल किला का। तो यहाँ से हमको लेफ्ट साइड में मुड़ना पड़ेगा, उसके बाद हमारा चालू हो जाएगा लाल किला मेट्रो स्टेशन का रास्ता। तो पहले चलते हैं, इस चौराहे को क्रॉस करते हैं, उसके बाद उस वाले रूट पर चल के आपको वहाँ का भी रूट मैप दिखाते हैं और उसका भी लाइव अपडेट दिखाते हैं इस वीडियो में आपको। देखो ये आ गए हम रेड फोर्ट के पास, राइट हैंड साइड ऑफ रेड फोर्ट है, ऊपर लगा हुआ रेड फोर्ट राइट हैंड साइड, और इधर है रेड फोर्ट आप जा सकते हो, और इसी के अपोजिट साइड में है रेड फोर्ट अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन, जिसको कि मैं आगे से दिखाता हूँ कैसा हो गया ये। तो ये हम पहुंच चुके हैं लाल किला वाले अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन के पास, जहां पे आप देख सकते हो अब मेट्रो स्टेशन तो बनके कंप्लीट हो चुका है, अंदर का कुछ टचअप रह गया है और बाहर बहुत सारा अभी सामान पड़ा हुआ है, तो यहां पे फिनिशिंग का काम चल रहा है, फर्श वगैरह बन रहा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो आगरा मेट्रो की।